घोटपुरा से रजपुरा को जोड़ने वाली यह मार्ग जिसमें एक पुल पड़ता है, लगातार लोगों का इस पुल से आना जाना है, लेकिन लगातार हो रहे बारिश के चलते और पानी के तेज प्रभाव से ये पुल जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। आइए हम आपको पूरी पुल की स्थिति है, जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं ये जो पुल है हो रहे बारिश की वजह से और पानी के प्रवाह से पूरी तरीके से टूट चुके हुए हैं, पूरी तरीके से यह जो पुल है वो ढह गए हैं। यहाँ पे अभी तक के ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ना ही कोई विभाग के मुखिया जो है वो यहाँ पे सूद लेने के लिए आए हैं। खंबे से हम भी जाकर उन गांव वालों से बात करेंगे कि ये गांव की स्थिति किस प्रकार की है। जी बताएंगे पुल कब से टूटा हुआ है और क्या कुछ परेशानी आती है आप लोग को? साल भर हो गए टूटे सर, और इसमें तो बच्चा पढ़ाई के लिए आना जाना मतलब नहीं कर पा रहा है, पुराना जाना बंद हो गया हवे, तो हर प्रकार के समस्या हवे। यहाँ पे कुछ स्कूली बच्चे भी है, आप देख सकते हैं जो स्कूल ड्रेस तो पहने हुए हैं लेकिन पुल टूटने की वजह से उस साइड अपनी पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सुभाषनी बंद है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को पुल से पार करने में? बहुत सारी होती है, हम तो स्कूल जा ही नहीं सकते, आप कैसे जाएंगे हम स्कूल, ऐसे पानी गिरेगा तो। इसमें पहले भी कोई स्कूली बच्चा गिर चुका है? हाँ, उसका नाम है शुभम, अभी हॉस्पिटल में भर्ती। प्रशासन क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है जो अब तक के इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? प्रशासन को चाहिए कि इस ओर तुरंत ध्यान दे और जो पुल टूटी हुई है उस पुल को निर्माण में जितने भी जल्दी हो सके कार्य करे। विस्तार इसके लिए मुंगेली से मोहम्मद अली।